कि आप जानते हैं मैं हूँ राहुल जिंदल। तो आज हम बात करेंगे हमारे अगले सब्जेक्ट के बारे में जो है फिजिक्स। तो आपको पता ही है फिजिक्स को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मोशन। फिजिक्स में सारा कुछ मोशन के ऊपर ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो गाइस मोशन होता है जब एक बॉडी अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती है और सम टाइम में, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेट टू बी मोशन। ये होता है हमारे पास मोशन की डेफिनेशन। तो अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन जो दोस्तों मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अभी रिलेटिव टर्म कैसे है वो देखिए। एक ऑब्जेक्ट एक पर एक बंदे के लिए मोशन में भी हो सकता है और दूसरे बंदे के लिए वही सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म। वो कैसे, यहाँ देखिए। जैसे सपोज कीजिए एक बंदा यहाँ खड़ा है जो कि किसी गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी चल रही है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जो खड़ा है वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, और यहाँ पर एक पेड़ है। अब जो यहाँ पर पर्सन खड़ा है उसके हिसाब से तो जो ट्री है वो रेस्ट पे होगा, क्योंकि जो ट्री है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जो बंदा गाड़ी में बैठा है वो जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा उसको तो ऐसा लगेगा ना कि ट्री यहाँ से पीछे चला गया, तो उसके लिए जो ट्री होगा वो मोशन में होगा। तो मोशन यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है, और मोशन हर बंदे के अपने नज़रिए पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास मोशन। तब हम इसमें आगे बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो गाइस डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस द लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल्ड टू रीच ए डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। अगर एक बंदा यहाँ ऐसे सीधा जाने की बजाय यहाँ से ऐसे घूम घूम के अब पहुँचता है यहाँ पर, उसका डिस्टेंस होगा वो होगा ये। तो वो कितना चला। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड टू रीच ए डेस्टिनेशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। लाइन के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और जहाँ से ये घूम के गया वो हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ये होता है लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल
शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। दोस्तों जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। कैन बी नेगेटिव होमा कैन बी पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है कि जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और तीसरा इनका डिफरेंस है कि जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें हमको डायरेक्शन ना दी हो, जिसमें हमारे पास सिर्फ स्पीड हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर हम बोलते हैं जिसमें हमको डायरेक्शन और स्पीड दोनों दी हो कि बंदा इस डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में इतना वो उसने मूव किया है, तो उसकी वजह ये डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंपल बात करें कि उसने वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है और वो डायरेक्शन भी हमारे पास, तो वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। स्पीड और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी, और स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी होता है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर्ड अपॉन टाइम टेकन। फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जो स्पीड है वो हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पीछे बात करके आए हैं तो अब इसमें नहीं करेंगे हम। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इनकी SI यूनिट्स हैं, इसकी SI यूनिट होती है मीटर सेकंड, ये या फिर मीटर पर सेकंड, कोई भी लिख सकते हैं। इसकी भी SI यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड या, ठीक है। तो आगे हमारे पास है इसकी टाइप्स और इसकी वेलोसिटी की टाइप्स। तो गाइस इसकी वेलोसिटी और स्पीड की टाइप्स हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए गुड बाय।